नमस्कार, सभी का स्वागत है फिर से एक बार भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। योगेंद्र कुमार पुलिस अधीक्षक नगर दरभंगा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बता दें कि दो दिन के अंदर ही जो हत्या की गुत्थी है वो सुलझा ली गई है। लगातार जो थाना की जो लहरिया थाना की पुलिस हो, बहादुरपुर थाना की पुलिस हो, लगातार सभी जगहों पर छापेमारी कर रही थी। खासकर आपको बता दें कि हत्या के बाद सनसनी फैल गई, पुलिस जो है लगातार छानबीन करने लगी। खासकर जो सिटी एसपी हैं उनके नेतृत्व में ये जो है चेकिंग चल रही थी। खासकर डीएसपी अनुज कुमार खुद एक्टिव थे। वहां पर पता लगा कि जो सूर्या है वो उसी एरिया में रहता है और कुछ दिन से वो वहां पर फरार है। और उसी दिन वो सूर्या वहां पर जो मृतक है उसे बुलाने के लिए आया था। उसके बाद सुबह सुबह उसकी लाश मिली थी। आपको पूरा मामला बता दें कि कांड की वादनी शाकिना खातून पति स्वर्गीय नजीबुल्ला शाकिन सराय सतार खान थाना लहरियासराय जिला दरभंगा के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त मोहम्मद रियाज उर्फ सूर्या उर्फ छोटू पिता फयाज अहमद शाकिन महाराजगंज थाना लहरियासराय एवं सोनी उर्फ लाल बीबी उर्फ लाली के विरुद्ध वादनी के पति मोहम्मद नजीबुल्ला को घर से बुलाकर बगल की गाछी में ले जाकर रात्रि में गला दबाकर हत्या कर दिया गया। बगल में लाश को रख देने के आरोप में अंकित किया गया है। वादनी के द्वारा घटना का कारण बताया गया कि प्राथमिकी अभियुक्त राज उर्फ सूर्या कुछ दिनों से सोनी उर्फ लाल बीबी के साथ रह रहा था। गाछी में एक बने अर्ध निर्मित घर में रह रहे थे ये लोग और शादी की बात कर रहे थे, शादी भी करने चाह रहे थे। आपको बता दें कि लगातार इस विषय में ये बताया जा रहा कि जो मृतक है वो सूर्या का कुछ राज जानता था, इसलिए ये घटना को अंजाम दिया गया है। सूर्या की बात करें तो सूर्या के ऊपर 2013 से ही बहुत सारे ऐसे प्राथमिक दर्ज है और बहुत सारे ऐसे केस एक्टिव है। बहुत सारे ऐसे केस में वो जो सिर्फ और सिर्फ गवाह नहीं होने की वजह से बरी हो चुका है। इस बार सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने अनुरोध किया है न्यायालय से कि इसे बरी नहीं किया जाए, इसे जो सजा है वो ज्यादा से ज्यादा दिया जाए और इसे दंडित किया जाए। इस तरह से यहाँ पर सिटी एसपी योगेंद्र कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खुद यहाँ पर सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने क्या कहा है उनसे ही सुनते हैं। सूर्या के पास से जो उपलब्ध हुआ है सामान उसके बारे में बता दें। एक बड़ा चाकू उपलब्ध हुआ है और उसके बाद जो मिट्टी से सना हुआ कपड़ा था वो भी बरामद हुआ है। 2013 से यही ये अपराध जगत में अपना नाम कर रहा है और कहीं ना कहीं छीन छपाटा हो या सुपारी किलिंग के तौर पर भी ये उभरता आ रहा है। लेकिन लगातार आपको बता दें इस तरह की हत्या के साथ दरभंगा पुलिस की जो छवि है वो बिगड़ती जा रही थी। लेकिन ऐसे में दो दिन के अंदर जो सिंगवारा का घटना था उसकी बात करें, ये उद्भेदन हुआ या इस घटना की बात करें, उद्भेदन लगातार जो दरभंगा पुलिस है वो कर रही है और बहुत बड़ा एक जो यहाँ पर दरभंगा पुलिस के लिए उपलब्धि है वो हासिल हुआ है। आइए अब सुनते हैं सिटी एसपी योगेंद्र कुमार से। लाश मिली थी गाछी में, उसका गला दबा करके हत्या की गई ऐसा प्रतीत होता था। उसी वक्त हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं और बाकी के हमारे जो एसटीपीओ सदर हैं ये लोग घटनास्थल पर तुरंत पहुँच गए थे। अनुसंधान वहीं से प्रारंभ हो गया था। पूछताछ करी तो हम लोग को मालूम पड़ा कि इसी के मोहल्ले का एक व्यक्ति है रियाज और सूर्या, पूर्व का अपराधी है, कई केसों में कई बार जेल भी जा चुका है। मृतक के परिजनों ने बताया कि शाम को ये आदमी उसको घर से बुला करके ले गया था। उसी आधार पे हम लोग ने छापेमारी करके रियाज और सूर्या की गिरफ्तारी करी थी अगले दिन दोपहर में। पूछताछ के क्रम में उसने अपना अपराध स्वीकार किया और उसने अपने एक दूसरे अड्डे पर ले जा करके अपने बयान पर एक हथियार की रिकवरी कराई, जो कि एक देखने में एक चाकू है जिससे कि किसी की भी हत्या बड़े आराम से की जा सकती है। पूर्व में भी यहाँ पे एक हत्या हुई थी जिसमें कि इस प्रकार के हथियार के इस्तेमाल की बात हुई थी, तो हम लोग को एक ऐसा अंदेशा है कि ये शायद पिछले कांड में भी इन्वॉल्व है, उसको भी हम लोग लेके छानबीन कर रहे हैं। बाद में और अनुसंधान में ये पता चला है कि एक महिला है समस्तीपुर की रहने वाली, उसको ये अवैध तरीके से अपने साथ रखे हुए था। दोनों लोग मिलकर काफ़ी सारे क्राइम भी करते थे और जो मृतक है उसका कुछ अनबन हो गया था इस अभियुक्त के साथ में, उस लड़की को लेकर के, और कुछ पैसों के भी लेनदेन की बात सामने आई है। पूछताछ में इसने अपना अपराध स्वीकार किया है, इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस व्यक्ति के यहाँ पे काफ़ी सारे केसेस 2013 से लेकर अब तक टोटल 5 केसेस तो लहरियासराय थाने में ही दर्ज हैं, जिसमें से एक मर्डर केस है लहरियासराय थाने का जिसमें कि इस समय बेल पे है। तो हम लोग सारा आपराधिक इतिहास कलेक्ट करके इसको जेल भेजेंगे और अब हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि ये पता करना कि और पहले भी जो अपराध हुए हैं उस एरिया में संभवतः इसकी संलिप्तता उसमें आ रही है। और हम लोग माननीय न्यायालय से भी ये प्रार्थना करेंगे कि जिन केसेस में ये बेल पे है तो उस पर इसकी बेल कैंसिल कराई जाए। सर हत्या का कारण? देखिए हत्या का कारण एक तो लड़की सामने आ रहा है और दूसरा पैसों का कुछ लेन देन सामने आ रहा है। तीसरी बात ये सामने आ रही है कि जो मृतक था वो भी इसके साथ उसका उठना बैठना, क्योंकि ये व्यक्ति कई सारे जघन्य कांडों में इन्वॉल्व रहा है
तो वो व्यक्ति भी इसके साथ था, इसके सारे राज जानता भी था वो। संभवतः किसी बात पर लेके अनबन हुई है और उसको रास्ते से हटाने के लिए इसने उसकी हत्या की है। मृतक ये तो अनुसंधान का विषय है, हम लोग एक बार उसको भी अरेस्ट करेंगे और अनुसंधान जब हमारा आगे बढ़ेगा तो उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन अभी हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं इसको जेल भेजने के लिए। और इसका सारा आपराधिक इतिहास है जो मैंने आप लोग को बताया है।